कोरोना की इस महामारी में भी बदमाशों में पुलिस का कोई बहन नहीं है। बदमाश आए दिन पुलिस पर भी गोलियां चलाने से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही मामला हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश जनपद संभल के थाना बनियाठेर नरोली कस्बे इलाके का है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस का एक कांस्टेबल गोली लगने से घायल हो गया, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश भी घायल हो गया है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौका पाकर एक बदमाश भागने में सफल रहा। पकड़ा गया बदमाश पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। यह बदमाश गो तस्करी और गैंगस्टर में फरार चल रहा था। आज ये थाना बनियाठेर के अंतर्गत नरौली गांव के पास में एसओ बनियाठेर अपने रास्ते से जा रहे थे, तो यहाँ पर एक 50,000 का इनामी क्रिमिनल है। इसका नाम असद है। ये नूरियो सराय संभल का रहने वाला है। ये गौवंश की तस्करी में और उसके कटान में पहले भी जेल जा चुका है। अभी गैंगस्टर में वांछित था। पिछले 15 दिन पहले पुलिस इसके यहाँ पकड़ने के लिए जब इसको गई थी, तो इसके परिवार वालों की तरफ से पुलिस के ऊपर पथराव भी किया गया था। तब से ये वांछित चल रहा था, तो अभी इसको सामने देखकर जब रोकने का प्रयास किया गया तो ये फायर करता हुआ इस खेत की तरफ भागा है। यहाँ पर रस्ते पर जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा फायर किया गया। जवाबी हमले में पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली से इसके पैर में गोली लगी है और ये घायल हुआ है। इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इसके साथ में एक और व्यक्ति था जो अभी फरार है, उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। इसी तरह से संभल में जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी, और इस तरह से जो लोग हैं जो पुलिस के टीम के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है तो उस पर भी लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। धन्यवाद। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दूसरे बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता उत्तर प्रदेश जनपद संभल गुन्नौर से ऋषि कुशवाहा की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्लीबख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8506973234।